नमस्ते किसान भाइयों, मैं हूं कशिश जांगड़े और आज हम आपको भूरा माहौरी बताएंगे वो किस प्रकार से हमारे खेत को नुकसान पहुंचाती है और उसका जीवन चक्र कितने दिन का होता है और किस प्रकार से उसको हम कंट्रोल माहू अपने खेत में बाली आने के पूर्व दुग्धावस्था में लगती है। यह पत्तियों में किसान भाइयों आप देख सकते हैं पत्तियों के नीचे अंडे देती है और अंडे देने के 5 से 7 दिन बाद ये निम्फ में आ जाती है शिशु में। उसके बाद 12 से 13 दिन अपने फसलों में रहती है। ये एक मादा माहू जीवन काल में से 250 से 300 अंडे देती है। किसान भाइयों माहू के अत्यधिक लगने पे आप देख सकते हैं ये अपर बर्निंग इसको बोला जाता है, माहूतियों और जैलम फलम को बंद कर देती है और पौधे ऊपर से सूखना चालू होती है और मर जाती है, जलने जैसे दिखाई देती है आप देख सकते हैं। किसान भाइयों माहू का आपको जीवन चक्र के बारे में बता दें, माहू का संपूर्ण जीवन चक्र आपका 18 से 25 दिन का होता है। किसान भाइयों यह 8 से 6 दिन में अंडे देती है और अंडे फूटने के बाद आपका 12 से 15 दिन के बीच वो फसलों को उसी अवस्था में निम्फ और एडल्ट नष्ट करती है। किसान भाइयों माहू के जीवन चक्र के बारे में आपको बता दें, सबसे पहले यह अंडे देती है, अंडे देने के 6 से 8 दिन के बाद यह अपना निम्फ होता है, शिशु बोलते हैं जिसको, वह अपने फसल को 12 से 14 दिन के अंदर में आप नुकसान पहुंचाती है। वही अपने रस को चूसती है, पत्तियों में लगती है और तनों में लगती है जिससे कि पौधे हापर बर्निंग का जो सिम्टम है दिखाई देता है जलने टाइप का, और यह 15 से 20 दिन में ही इफेक्ट करती है। उसके बाद अपना जीवन किसान भाइयों माहू अपना अपने खेत में जीवन 5 से 8 बार जीवन चक्र पूरा करती है एक खेत में। किसान भाइयों बात करें इसके नियंत्रण के बारे में तो सबसे पहले हम लाइट ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर 2, और केमिकल कंट्रोल में करें तो किसान भाइयों सबसे पहले हमको अगर अपने खेत में माहू नहीं दिखता है, थोड़ी मात्रा में रहता है, तो उसमें आप जो चेस आता B1 या पिक्सोलॉन के नाम से आता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। नहीं रहता है तब भी उसमें आप इमिडाक्लोरोपाइरीफाइड 17.8% का 30 ml मतलब 1 लीटर पानी में आप 2 ml डाल के प्रति एकड़ उसका छिड़काव करें। किसान भाई आपको तुरंत माहू अपने खेत में दिखती है तो उसमें आप BPMC का फेविनोकार्प 50% EC आता है उसका उपयोग कर दें, और उसके साथ आपका पाइमेट्रोजीन है उसको भी प्रति हेक्टेयर आपका 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ 100 से की माहू आपके खेत से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। ब्यूप्रोफेंजीन प्लस थायमेथोक्सम का 25% फार्म का भी उपयोग। भाई आप प्रति एकड़ आप इमिडाक्लोरोपाइरीफाइड का आप 30 ml प्रति स्प्रेयर के हिसाब से आप डालें 15 लीटर के स्प्रेयर में, और उसमें एक पाव एसीफेट और आपका ये फेविनोकार्प BPMC का आता है उसको डाल के अपने खेत में छिड़काव कर दें जिससे कि आपके खेत में और माहू का प्रकोप नहीं होगा। किसान भाइयों माहू का एक सबसे बेहतरीन दवा है डिनोटोफ्यूरान जो नुआन या फिर यूनान नाम से मार्केट में आता है। जो किसान भाइयों खेती बाड़ी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें।